शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आशा की भाभी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहती है। हम बिप्ता प्रसाद यादव देवरियापुर। हेलो, मेरा वक्त से पहले आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सारा शहर मेरे छोड़े हुए धुएं से मदहोश रहता था। वाह, ये सीता की बच्ची गई मगर मुझसे पूछ कर क्यों नहीं गई? पूछना तो क्या माँ, तुम्हें बता कर भी नहीं गई, कितना अपमान करके गई छी। इसका मतलब यह है कि वह मुझे गिराना चाहती है। गिराना क्या माँ, वो तो तुम्हें इस घर से निकालना चाहती है, हक्के मार के भिखारी बना के। अरे कमबख्त, तेरी माँ तो है पैदाइशी पेट्रोल, तू क्यों तिलियां जला जला के उस पर फेंक रही है? वो अपने पति के साथ घूमने गई तो तुम दोनों की नाल में क्यों कील चुभ रही है? और इस उम्र में नहीं जाएगी तो क्या हमारी उम्र में जाएगी? तुम चुप रहो जी। अरे मैं तो पैदाइशी चुप हूँ। तुम उसकी वकालत मत करो, कील मेरी नाल में नहीं खोपड़ी में चुभ रही है। वो लड़की अपनी सैंडल की एड़ी से मेरे सर में कील ठोक रही है, खबरदार अगर बीच में बोले तो जरा भी आवाज निकाली तो। हाँ सुनो, रहे नाम भगवान का। हाँ। और मुंह का लाओ शैतान का। क्या औरत है, तो बात हुआ तो। क्योंकि मेरे भाभी को सब कुछ पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं ना कहीं करने पर बुरी तरह से तुली हुई है। अरे नहीं आशा, ऐसा मत करना वरना अमर तो मर जाएगा। कैसी बातें करते हो, मैं वहां बात तक नहीं कर सकती। अगर शादी के लिए इनकार करूंगी तो सूली पर ही टांग दी जाऊंगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते, अपने घर वालों को बोलकर शादी की बात करने के लिए भेज दो ना। नहीं आशा, मैं अपने घर वालों से बात तो नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा सकता हूं। भाभी, भाभी, भाभी गजब हो गया। क्या हुआ? वो आशा की भाभी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई, फिर तुम्हारे क्या होगा? मेरा कबाड़ा हो जाएगा, कुछ करो भाभी, कुछ करो। मैं क्या करूं, जाकर माजी से बात करो। माजी से बात करूं? ना बाबा ना। भाभी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा, बस एक बार आशा से मिल लो प्लीज। उमा, ये क्या चोरी छुपे देख रही है? मुझसे क्या पूछते हो, तुम ही झांक के देख लो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे प्यार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो, मेरी जिंदगी और मेरे प्यार का तुम्हें जरा भी ख्याल है तो तुम वहां जरूर होगी। मैं वहां आकर क्या करूंगी? वो सब मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा, वरना इस घर के तो दरवाजे खिड़की पर्दे सबके कान है, यहां तक कि हवाओं के भी कान है। वहीं पर एकांत में बैठ के बात करेंगे, तुम्हारा प्लीज। ये अमर क्या कह रहा था? पागल है, उठपटांग बकता रहता है। मेरे ख्याल से उसकी उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। वाकई कर देनी चाहिए, पर निकल आए उसके, इससे पहले कि वो बहुत ऊंचा उड़े शादी की कैंची से उसके पर कतर डालने चाहिए। तो बैठ, आज बहुत डार्लिंग वाले फोन आ रहे हैं, कल तेरा चक्कर तो नहीं? नहीं तो भाभी। हेलो। अरे बाप रे, नमस्कार, हम बिप्ता प्रसाद यादव देवरियापुर। हेलो, क्या काम है तुम्हें? जी हम टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक हूँ, आपका स्क्रू टाइट करने आया हूँ। क्या? जी हमारा मतलब है कि हमें एक्सचेंज से ऐसी न्यूज मिली है कि आपका जो टेलीफोन है ना बार बार रॉन्ग नंबर बजा रहा है। बजा रहा है? हाँ हाँ। तो उसी को चेक करने के लिए आया हूँ, जरा अपना पुराना बिल तो दिखाइए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि टेलीफोन का बिल दिखाइए। ले आती हूँ। जाइए लाइए, बहुत तीखी लगती है, कड़वी भी है। अमृत चेमर पिलाइया हिया बैठी है। अमर हूँ, अमर। कहाँ मिला? भाभी से बात हो गई, चिट्ठी में पढ़ लेना,
टाइम और पता लिखा है, अरे क्या आप लोग फोकट में तकलीफ देती है? कोई टेलीफोन वालीफोन खराब नहीं है, टेंशन देती है, तकलीफ देती है, टाइम खराब करती है, मालूम है? ये रहा बिल। अरे काय का बिल, अपना बिल अपने पास रखिए, हमने अपना काम कर लिया। कर लिया? वो कैसे? हाँ वो कहा बात थी मैडम कि आपके टेलीफोन के लाइन में जबरदस्ती का वायर घुस के करंट मारा था, हमने उस वायर को बाहर निकल के फेंक दिया और अपनी वायर फिट कर डाली। कोई समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, आपको समझना भी नहीं चाहिए, इन्हें समझना चाहिए ना। प्रणाम। तू क्यों हंस रही है? हेलो। हाँ भाभी मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अमर बोलो। भाभी बहुत देर हो गई है, मैं घर नहीं आ सकता, तुम नेशनल पार्क आ जाओ ना। नहीं बाबा मैं नहीं आ सकती। मैं कुछ नहीं जानता। देखो मेरी मजबूरी तो सुनो। कोई मजबूरी नहीं, कसम खाकर कहता हूँ अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मेरा खून, मेरे प्यार का खून तुम्हारे सर लगेगा। अच्छा बाबा अच्छा, मैं आ जाऊंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, चुपके से चली आना और सुनो घर में किसी को शक ना होने पाए। ओके तुम फोन रख दो, बाय। अरे आप आज आप इतनी जल्दी क्यों? मेरा वक्त से पहले आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं कैसी बातें करती हैं आप आए और मुझे अच्छा ना लगे, मगर कभी वक्त से पहले आते थे तो फोन कर दिया करते थे। हाँ मगर कभी कभी फोन किए बगैर भी आ जाना चाहिए, माहौल का पता चल जाता है। कैसा माहौल? घर छोड़ो माहौल को, अब चूंकि मैं जल्दी आ ही गया हूँ तो सुना शहर में बहुत अच्छी पिक्चर लगी, चलो उसे देखने चलते हैं। नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है मैं अकेला ही चले जाता हूँ। आजा, इतनी बन छन के लहराते हुए कहाँ जा रही है महारानी? यही है ना तेरी लाइब्रेरी? आ जवाब दे, क्यों साफ सुन गया या दम उखड़ गया? आज पता चला कि कॉलेज और लाइब्रेरी के नाम पर तू क्या गुल खिला रही है, बेशरम बेहया चुड़ैल, चल चल अंदर, चल जा अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। तू अंदर जाती है कि नहीं? नहीं। क्या जवाब देती है? अब तक दिखाती है ओहो, बहुत देर कर दी उसने, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम्हारी हिम्मत के सहारे ही तो मैं अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और अगर तुम भी ऐसा दिल तोड़ने वाली बातें करोगी तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी ना। अरे पागल, अक्ल है क्या तुझे? तेरे भैया घर आए थे और मुझे सिनेमा ले जाने की जिद कर रहे थे, उन्हें टाल कर आई हूँ। भाभी भैया का ख्याल तो रोज ही रखती हो, कभी कभी अपने बेटे का भी ख्याल रखा करो। नहीं ख्याल है इसलिए तो मैं उनसे बिना बोले चली आई हूँ। अरे मेरी भाभी कितनी स्वीट हो तुम। अभी 5 बज गए, वो बेचारी जरूर घर में फंस गई होगी इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन भाभी भाभी उसे कुछ भी करके आना चाहिए था, अब देखो ना मैंने तुम्हें बुला लिया और वो गायब। चलो ना चलो। अरे आप अभी तक यही बैठे हैं? तो फिर आपका क्या इरादा है, कहीं जाकर लटक जाऊं? कैसी बातें करते हैं, मेरा मतलब है मैंने सोचा था आप शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म देखने नहीं, इसी फिल्म की शूटिंग देखने गया था। शूटिंग? किस फिल्म की है? कुछ अपने ही लोग, उनकी शूटिंग देखने। अच्छा मालूम है मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? रोमांटिक सीन चल रहा था हीरोइन हीरो में, वैसे अगर उस हीरोइन को देखो तो घर में बिल्कुल सीधी सादी सीता जैसी शरीफ, मगर वहां अपने हीरो के साथ ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही थी। कमाल है। वैसे तुम कहां थी? मैं किचन में थी। अच्छा अच्छा
किचन में थी। एक बात बताओ सीता, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्यों, आपका मेरे प्यार पे शक है? नहीं, सुना है समुंदर की गहराई को नापना आसान है मगर औरत के दिल की गहराई को नापना मुश्किल है, इसलिए जिसने भी कहा गलत कहा, औरत के दिल की गहराई को नापना बहुत आसान है मगर उसके लिए आंखें चाहिए और वो आंखें सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। खैर, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आशा, ये सब क्या है? किसकी चिट्ठी है ये? एक बहन, तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन अगर किसी ने मेरी बहन को गुमराह करने की कोशिश की तो उसकी जान ले लूंगा मैं। क्या है ये सब? नहीं बहन, मैं जानता हूं तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अच्छा तू ही बता, कौन है वो जिसे तू चाहती है? पता? अरे बोल ना। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में पढ़ता है। माँ बाप कौन है? खानदान कैसा है? ये तो मैं नहीं जानती लेकिन उनके पिताजी का नाम सेठ धनराज है। क्या, सेठ धनराज का लड़का और मेरी मेरी बहन की पसंद? अरे मेरे तो भाग्य ही खुल गए। जीती रहे बहना, जीती रहे। हजार साल जी, नहीं हजार साल बहुत होते हैं, तू बहुत बुरी लगेगी। अरे बहना, तूने तो ऐसा जीवन साथी चुना है जो तेरा भाई 10 जन्म लेकर भी तेरे लिए नहीं ढूंढ सकता था। अजी सुनते हो? लो आ गई आफत की पुड़िया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तेरी ये हिम्मत, किससे पूछकर तूने प्यार किया? तुझे पता नहीं हमारे खानदान में प्यार करना पाप है? मेरी शादी को इतने साल हो गए फिर भी आज तक मैंने अपनी पत्नी से प्यार नहीं किया, फिर तू प्यार कैसे कर सकती है? समझी? अरे बोलना कुछ। मुझे माफ कर दो भैया, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। माँ, अरे मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगा लेकिन तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी नाक कटवा दी, अपनी भाभी का मुंह हमेशा के लिए काला करवा दिया, अब वो अपना काला भयानक मुंह लेकर बाहर कैसे जाएगी? खबरदार, जो आज के बाद इस कमरे के बाहर कदम रखा तो तेरी टांगे कटवा के खटिया में फिट करवा दूंगा मैं। हाँ, अरे अपने आप को समझती क्या है? हिला के रख दिया मैंने उसे, उसकी ये हिम्मत। हिम्मत विम्मत गई भाड़ में, अब इसका फौरन ठिकाना कर देना चाहिए। हाँ, मैं आज ही जाकर किसी लड़के से उसकी बात फाइनल कर देता हूँ। तुम फाइनल वाइनल कुछ मत करो, तुम सिर्फ एक काम करो, जमुना दास जमके को ले आओ। जमुना दास जमके? हाँ। माँ, माँ, वो दोनों खुसुर फुसुर कर रही हैं, जरूर तेरे खिलाफ कोई चाल चल रही होंगी। अच्छा? हाँ। चल चल कर देखते हैं। हाँ। जो भी काम होगा अब सब मैं कर लूंगी। हाँ? तुम बस भगवान का ध्यान किया करो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। हाँ? क्या खुसर फुसर चल रही है? क्या मेरे खिलाफ जहर उगला जा रहा है? नहीं माँ जी, मैं तो सीता को थोड़ी नसीहत दे रही थी। माँ को नसीहत करना नहीं आता क्या? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही थी, सीता के पैर भारी हैं। देखा माँ, छोटी भाभी ने ये बात पहले तुम्हें नहीं बताई, कितना गैर समझती है तुम्हें। क्यों री, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? अरे ऐसी बात अपनी सासू माँ से थोड़ी ही छिपा कर रखते हैं। अरे उसे तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। अरे राम, अरे अमर। अरे तुम्हारा गला है किसी मिल का भूंगा है, कभी थकता ही नहीं चिल्लाने से। कितना चिल्ला रहे हो, सारी दीवारें हिलने लग गई हैं। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों ना चिल्लाऊं? सीता के पांव भारी हैं, मैं दादी माँ बनने वाली हूँ। दादी माँ? सच? मतलब ये बूढ़ा दादा बनने वाला है? देखा, ये है मेरी प्रार्थना का असर। बड़े आए प्रार्थना वाले, जा मंदिर में जा। ठीक है, रहे नाम भगवान का। बस आगे मत बोलना पिताजी। मैं क्यों बोलूं, सारी दुनिया बोलती है, रात चल रहा है शैतान का। अरे अमर! आया माँ, आया माँ, आया माँ, मेरा मतलब है। क्या बात है माँ? अरे अमर, बाजार से जाकर 10 किलो बादाम और 10 किलो सूखे मेवे ले आ। किस खुशी में? अरे तेरे लाडली भाभी बाप बनने वाले हैं। माँ, अरे मुबारक हो, मुबारक हो भाभी। भाभी दोनों में से एक उंगली पकड़, अरे पकड़ लो ना, अरे पकड़ो ना। लड़का होगा, लड़का होगा और बिल्कुल मेरी तरह होगा। जाकर जल्दी से ले आ। लड़का नंबर 5, 5 फुट 10 इंच ऊंचाई और देखने में अच्छा,
रंग गोरा और सुखी परिवार और घर में माँ बाप भाई बहन सबके स्वभाव एकदम नरम। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, दूसरा देखिए। लड़का नंबर 6, ऊंचा कद रंग गोरा, देखने में बाका सजीला, सुखी परिवार, लेकिन ये घर आपको नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्या बुराई क्या है? लड़का तो शराफत का फूल है, लेकिन उसकी माँ नफरत का कांटा है। वो बोलती का मैं काटती ज्यादा है। उसके मुंह से शहद नहीं, हमेशा चिंगारियाँ निकलती है। आज तक जो भी लड़की उस घर में बहू बनकर गई, वो अपनी सास की मेहरबानी से कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए तो कहता हूँ कि ये घराना आपकी बच्ची के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? माँ से क्या लेना देना, लड़का तो अच्छा है ना, चलेगा। अरे क्या जुल्म करती है आप भी। नहीं नहीं, आप जानबूझकर अपनी ननंद को क्यों मौत के मुंह में धकेल रही है? आप ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपनी ननंद को उसी घर में दुल्हन बनाकर भेजूंगी। लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकता। आपको पाप से क्या लेना देना? आपको पैसे से प्यार है या पाप से इनकार? अजी लानत भेजो पाप पर, पैसा सबसे बड़ा भगवान है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। अरे भाई हो गया या अभी तक लड़के का चुनाव ही चल रहा है? हाजी हो गया। पूछो ना जन्नत जी से, क्या लड़का और क्या खानदान चुना है मैंने अपनी ननन के लिए। अच्छा? हाँ, अभी तो कहिए ना। जी घनश्यामलाल जी, श्यामलाल जी। हाँ श्यामलाल जी, क्या लड़का है, क्या घराना है, क्या खानदान है, क्या उसकी माँ है। आपकी बहन की सास तो इस दुनिया की हर बहू की आस है। हाँ, क्या स्वर्ग जैसा घराना है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। सुनो जरा गर्मा गर्म। मेरी तरह? थैंक यू। मामला जमा दिया ना जमनादास जमके जी। अरे ऐसी बुराई की धनराज खानदान की। हाँ? कि आपकी पत्नी की मारे खुशी के बाछे खिल गई। मतलब मैंने जो कुछ कहा था ठीक उसी अंदाज से कहा ना? बिल्कुल उसी तरह से। हाँ? तभी तो आपकी पत्नी ने लपक के पकड़ लिया उस खानदान को। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब मेरा काम हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है और आपका भी। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। पधारिए, आइए बैठिए। ये लो, आराम से बैठिए। ये खिदमत की जाए आपकी? चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? लस्सी? कुछ भी नहीं। घर में कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? क्यों, हम नहीं है क्या? आप लोग तो हैं, लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं अभी। क्या बात कर रहे हैं, आप जानते नहीं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। यू सी आई वॉन्ट टू टॉक टू समबडी ओल्डर विथ योर परमिशन। ओके ओके, वी ग्रांट योर परमिशन। थैंक यू। लो अमर चाचा आ गए। जी आप? दरअसल मैं तुम्ही को देखने आया हूँ। मुझे खैरियत तो है? खैरियत की बात तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ ही करूंगा। समझ गया, ये जरूर किसी लड़की का बाप या बड़ा भाई है जो मेरे लिए शादी का रिश्ता लेके आया है। इसे भगा दे अमर बेटा, वरना तेरी मोहब्बत का टायर पंक्चर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पिताजी से मिलने आए हैं आप? पिताजी तो साहब मंदिर गए, 4-5 घंटे में लौटेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो 2-4 दिन तक इंतजार कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। सिगरेट पियेंगे? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अजी साहब पीता तो मैं भी नहीं था, मगर क्या करूं, इस कंबक चरस और गांजे से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे सिगरेट का सहारा लेना ही पड़ा। आई मीन फॉर माई बेटरमेंट। यू मीन आप चरस और गांजा भी पीते थे? पीता था। अरे साहब लोग मुझे गांजे की चिमनी कहते थे, चिमनी। सारा शहर मेरे छोड़े हुए धुएं से मदहोश रहता था। वाह साला चिपकू। और चरस भी मैंने शराब से पीछा छुड़ाने के लिए शुरू की दिया। आई मीन अगेन फॉर माय बेटरमेंट। यानी आप शराब भी पीते थे? पीता था। हाँ? अरे कोई ऐसा वैसा पीता था? हाँ? अजी लोग बोतलों में पीते हैं, मैं बाल्टियां भर भर के पीता था। लेकिन साहब शराब भी मैंने कोठे और मुजरों से पीछा छुड़ाने के लिए शुरू की थी। आई मीन फॉर योर बेटरमेंट। आई स्वेर यू आर सो इंटेलिजेंट। आई स्वेर भागना। अच्छा तो आप कोठे पे भी जा चुके हैं? जाते थे। हाँ? आजी साहब जाते तो वो जो लौट के आते, हम तो 20-20, 25-25 दिन महीना भर वहीं पड़े रहते थे। सूटकेस भर भर के नोट ले जाते थे, और जब पैसे खत्म हो जाते थे लौट आते थे। तो इतने सारे पैसे तुम लाते कहां से थे? चोरी करता था ना। ओ, तो आप चोरी भी करते थे? वाह। लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा अब आप शरीफ हो गए इसलिए। अरे ऐसी की तैसी शराबत किया। चल, चल। हम लोगों का दीवाना निकल गया ना। धंधा किया उसमें घाटा, आधा इनकम टैक्स ले गया। क्या बताऊं साहब, पानी पीने के लिए एक ग्लास भी नहीं बचा है घर में। कमाल है,
लेकिन ये सब सारा ये जो फर्नीचर वगैरह है वो ये क्या, ये सब भीख मांगा हुआ है, बाकी सब गिरवी पड़ा है। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे घटिया घर में और होपलेस घराने में आप अपनी लड़की देना पसंद करेंगे? नहीं, I'm saying all this for your betterment, you see। श्यामलाल जी आप, श्यामलाल जी आप, पिता जी आप तो मंदिर गए थे ना? कौन, मैं तो 3 दिन से बाहर ही नहीं गया, अपने कमरे बैठा हुआ गीता पढ़ रहा हूँ। अरे आप बैठिए ना जी। हाँ फरमाइए, कैसे आना हुआ? जी मैं अपनी छोटी बहन की शादी के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आया था। अरे तो फिर नए नाम भगवान का तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? क्या तेरी माँ को बुला गला? मर गया। क्या कहा? रहे नाम भगवान का। नहीं नहीं, इसने कुछ और कहा था ना? लाखों का नुकसान, पर मेरे पास लाखों है कहाँ? मैं हूँ ना माँ, मैं तो तेरा बेरर चेक हूँ, है ना? अब जो भी लड़की तू मेरे लिए पसंद करेगी उसे कुछ तो लेगी। पूरे 7.5 लूंगी, 7.5। और तेरे ये 7.5 लाख के बेरर चेक को एक फोकट या फोकट में ले जाना चाहता है। कौन है वो? वो है एक कड़का, अपनी भिकारन बहन को मेरी बीवी बनाकर तुम्हारी बहू बनाना चाहता है। मेरी बहू बनाना चाहता है? अरे खून की नदी ना बहादुर, सर मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे का रिश्ता कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ माँ, मैं तो कहता हूँ कि मार मार के गली के नुक्कड़ पे छोड़ियो। मुझसे पूछे बगैर शादी की बात इस घर में कोई कैसे कर सकता है? आहिस्ते 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 क्यों चिल्ला रही हो? पहले मुलाकात कर लो, परिचय कर लो। आप श्यामलाल जी हैं, शहर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। कितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाखों का कारोबार है। अपनी छोटी बहन के लिए हमारे अमर का रिश्ता मांगने आए हैं। अच्छा अच्छा, पर मैंने तो कुछ और सुना था। अरे 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 बहू, ये क्या कर रही है? घर की मालकिन होते हुए पानी का घड़ा ले जा रही है? जाओ बेटी जा। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बाछी का इसका मतलब है शुभ शगुन है। अच्छा। जब हमारी सगाई हुई थी ना तो ऐसे ही कोई दो बाछी का था। अच्छा। काश मैंने वो छींक सुनी ना होती। क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है, जब भी अपना परिवार इतना सुखी है, हंसता खेलता है और तुम इतनी नरम मिजाज हो, है ना श्यामलाल जी? हाँ बिल्कुल, आप तो बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत। श्यामलाल जी ये मेरा बड़ा बेटा राम है। जी नमस्ते। नमस्ते जी। राम, इनकी बहन के साथ अमर की शादी पक्की कर दी है। अमर की? हाँ जी। अब मैं इजाजत चाहूंगा, शादी का शुभ मुहूर्त निकाल के आपको फौरन इत्तला कर दूंगा मैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं, आप खाना खाकर जाइए ना। तकल्लुफ की क्या बात है? नहीं पहले दिन तो तकल्लुफ जरूरी होता है, उसके बाद तकलीफ शुरू होती है। माया मेरी मानो तो इस शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आशा को उस घर में देना हमारे बस की बात नहीं है, उन लोग जहेज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो क्या हुआ, जितना मांग रहे उतना दे दो, लेकिन इस बला को सर से टाल दो। देखो जी मैं फिर कहती हूँ, आशा की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और मैं भी कहती हूँ ये शादी करवा के रहूंगी, करवा के रहूंगी, करवा के रहूंगी। ठीक है तो कर लो जिद, मैं भी अगर ये घर छोड़कर नहीं चला गया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। ओ, तो तुम घर छोड़ने की मुझे धमकी दे रहे हो? अजी सुनते हो क्या, तुम्हारे मुँह में जबान नहीं? अरे हिला तो सही, कुछ बोला तो सही, तुम क्या बोलोगे? मैं ये जबरदस्ती की शादी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे खानदान की नाक कटे या माँ को बुरा लगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अमर ये क्या बदतमीजी है, अपने मतलब के लिए बड़ों का अदब लिहाज सब कुछ भूल गए और माँ को इस तरह झिड़क कर जवाब दिया जाता है। लेकिन भाभी तुम भी तो देखोगे माँ कैसी। देखना वेखना नहीं है, पहले तुम जाकर माफी मांगो माँ से। अमर मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ माफी मांगो। ठीक है तुम कहती हो तो मांग लेता हूं, माफ कर दे माँ। अभी तुम्हारे कहने पे मैंने माफी तो मांग ली, शादी नहीं करूंगा। देखिए आप बुजुर्गों के बीच बोलना या अपनी राय देना है तो बदतमीजी, लेकिन जब घर में आग लग रही हो तो बुझाना सबका फर्ज बन जाता है। मेरी राय थी जब वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? अगर अगर जबरदस्ती ना की जाए तो बेहतर रहेगा। एक
एक बात मेरी समझ में नहीं आती माँ कि इस शादी के लिए तुम राजी हो, पिताजी राजी है, यहाँ तक कि भैया भी राजी हैं, मगर भाभी राजी नहीं। हाँ भाई, अपने अपने दिल की बात होती है ना, हो सकता है कि भाभी के दिल में कुछ और बात हो। जब कोई तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है तो तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ। क्या तुम मुझे भूल सकती हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें भुलाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ अमर, मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए अपना प्यार नारियल की तरह तोड़ सकती हूँ। मेरे भैया ने मेरी शादी एक बहुत नालायक लड़के के साथ तय कर दी है, जो सिगरेट के कश ले लेकर उनके मुंह पर फूंक रहा था। सिगरेट का कश? हाँ, उसने चरस छोड़ने के लिए सिगरेट शुरू की थी और चरस से पहले वो बाल्टी भर भर के शराब पीता था। ये कहानी तो सुनी हुई लगती है। जरूर सुनी होगी, वो तो कोठे पर भी जाता था, परसों मुजरे में गुजार दिए, उनकी कंपनी का दिवाला निकल गया और इनकम टैक्स रेड मार कर सब कुछ ले गई। ए आशा की बच्ची, ये कहानी तुमने कहाँ से सुनी? मेरे भैया ने सुनाई। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? श्यामलाल। अरे वो जाड़ा तेरा भाई है, मर गया। अरे सुनो तो। अरे मेरे रुकने से मेरी माँ रुकने वाली नहीं है, कई लोगों ने मेरी शादी कैंसिल कर डाली तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। ए माँ, ए भाभी, ए रुक जाओ। ए माँ मुझे माफ कर दे। माँ मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। पहले ये तो बता, इतना मस्का क्यों लगा रहा है? मुझे शर्म आ रही है माँ। बड़ा आया शर्म वाला, कल शादी के लिए इतनी लंबी जबान लेकर मुझसे लड़ रहा था, तब शर्म नहीं आ रही थी? आई ना माँ, तभी तो रात भर सोया नहीं मैं। कितनी गाली दी मैंने अपने आप को मालूम है? मैंने कहा कि अबे नालायक अमर, अरे जिस माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तू उस माँ से जबान लड़ाता? बस सारी रात जमीन पर नाक रगड़ता रहा, देखो ना मेरी नाक भी छिल गई है। माँ, ए माँ, मुझे तेरा फैसला मंजूर है। कौन सा फैसला? अब वही शादी वाला। मेरा लाडला, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। अरे बेटे, सुनती हो? अमर, अरे उमा, सुना तूने? हाँ माँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, एक रात में अमर पे किसी ने जादू कर दिया जो अचानक शादी के लिए राजी हो गया। भाई मुझे तो इसमें कोई गहरी चाल लगती है। हाँ, अरे चाल गई भाड़ में, मेरी बात मानकर अमर शादी कर रहा है, मेरा मतलब निकल गया, बाकी का हमें क्या लेना देना है। ये क्या अमर, कल तक तू बिल्कुल आग बना हुआ था, आज बर्फ बन गया? अरे भाभी, जब असलियत का पता चलेगा तो तुम भी चौंक जाओगी। ये जो श्यामलाल जी आए थे ना, वही तो आशा के बड़े भाई है। क्या? हाँ, फिर मैंने खामखा उनको झूठ बोलकर अपनी कंपनी को दिवालिया बताकर उनकी खटिया खड़ी कर डाली। चलो अच्छा हुआ, अपने को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, अपना चक्कर भी चल गया और घर वालों का दिल भी रह गया। ये तो वाकई बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, घर के बड़ों को एक बहू मिल गई और तुम्हें एक दासी, और ये गुलाम तो तुम्हारी खिदमत में पहले ही हाजिर है, अब तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है।